वाले लोग थे, कांग्रेस के बाद में राष्ट्रवादी बने, उस पार्टी से चुनकर जाने वाले लोग भी अपने इलाके में काम का वो जाल नहीं बिछा पाए जिससे लोगों की बुनियादी सहूलत मिले। एक वक्त था हम लोग हमेशा कहा करते थे कि 1999 में जब साथी निहाल अहमद साहब के खिलाफ लोगों ने प्रचार करना शुरू किया कांग्रेस पार्टी ने, तो ये कहा कि निहाल अहमद साहब ने मालेगांव शहर में कोई डेवलपमेंट नहीं किया, कोई बड़ी कॉलेज नहीं आई, ये नहीं बना, इंडस्ट्री नहीं आई। लेकिन उस वक्त भी कभी ये सवाल नहीं था कि मालेगांव शहर में रोड नहीं है, गटर नहीं है, ये कहने वाले जो डेवलपमेंट का नाम लेते थे। आज 20 वर्षों के बाद ऐसा वक्त आ गया है कि कॉलेज इंडस्ट्री तो हम सोच ही नहीं सकते। अब ये वक्त आ गया है कि हमारे इलाके की गटर नहीं है, हमारे यहाँ रोड नहीं बनी है, अतिक्रमण इतना ज्यादा है कि अगर आग लग जाए तो फायर की गाड़ी नहीं आ सकती। ऐसा माहौल हो गया है कि अगर लोग मुतहरिक नहीं हुए, जुमा के दिन जो ये वाकया इस इलाके में हुआ, ये दिन के वक्त हुआ, तो इलाके के लोगों ने अपने घर का पानी इस्तेमाल करके वो आग को बुझाने की कोशिश की। खुदा ना खास्ता ये वाकया अगर रात में हुआ होता तो शायद देर हो चुकी होती, जहाँ 8 घरों का नुकसान हुआ वो पूरी पूरी गली का मामला हो गया होता। इसलिए जरूरत ये है कि हमको भी मुतहरिक होना है। अगर हम थोड़ी सी जगह लेने के लिए अपने इलाके का, अपने गांव का, अपने पड़ोसियों का और हमारा खुद का नुकसान कर रहे हैं, तो मेरी दरख्वास्त इलाके के जो लोग मजहबी रहनुमा हैं, जो मदरसों में या तबलीग का काम करते हैं, उनसे दरख्वास्त है कि सबसे पहले इलाके के लोगों को अतिक्रमण के खिलाफ मजहबी तौर पर समझाया जाए कि ये कितनी बड़ी बुराई है जिसकी वजह से सहूलत में कितना नुकसान होता है। शायद सियासी लोग वो चीजें नहीं समझा पाते, लेकिन अगर मजहबी रहनुमा समझाएंगे तो लोगों को समझने में आसानी होगी। खवातीन यहाँ जो मौजूद है, उनकी मुझे जो शिकायत मिली, वही सड़क नहीं है यहाँ पर। सड़क का मालेगांव शहर के आप किनारे के हिस्से में क्या, शहर के बीच वाले हिस्से में भी सड़क, गटर और नल, इसकी तकलीफ हर जगह है। और आप इसके बरखिलाफ देखेंगे कि नदी के उस पार सारी सहूलियतें पूरी हो चुकी है और अब उनके जो शौक, जिसके लग्जूरियस शौक बोले जाते हैं, वो पूरे किए जा रहे। गार्डन होगा, अब गार्डन में जॉगिंग ट्रैक बन रहे हैं, वहाँ कराटे सीखने का सामान बन रहा है, मैट लग रही है। और हम नदी के इस पार के लोग जो 80% टैक्स मालेगांव शहर कारपोरेशन में 80% टैक्स देने का काम मालेगांव सेंट्रल करता, लेकिन काम हमारे यहाँ 10% भी नहीं होता। ये सबसे बड़ी हमारी बेबसी है कि हम सवाल नहीं करते। जो मुस्लिम डिग्निटी बोल रहे थे कि अगर हमारे यहाँ इफ्तिता होता और फौरन काम नहीं शुरू होता तो आप सवाल करो, ये सवाल करो कि 80% टैक्स जब हम देते हैं तो हमारे यहाँ काम क्यों नहीं होगा। और अगर काम हो रहा है तो आप इफ्तिता करके जा रहे हो, आप बताते हो कि ये सड़क जो है ये 50 लाख की है, तो ये बताओ ये 50 लाख कहाँ कहाँ खर्च हुए। अगर आप ये बोल रहे हो कि ये गटर 25 लाख की है, तो कहाँ कहाँ क्या क्या मटेरियल के साथ बनाना चाहिए और आप क्या बना रहे हो। इसीलिए हमने मांग की थी कि बोर्ड लगाओ, अगर किसी की चोरी करने की नीयत नहीं होगी तो वो जरूर बोर्ड लगाएगा। अब वो बोर्ड इसलिए नहीं लगाते हैं कि आप लोगों को ये ना समझे कि भाई 5 इंच की रोड बननी थी और बनी 2 इंच की, ये आपको गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अगर आप ये सोचते होंगे कि हम क्यों सवाल करें, तो आप अपना पैसा खर्च कर रहे हो, आप घरपट्टी भरते हो, आप नलपट्टी भरते हो, रोड पे चलने का टैक्स देते हो, तमाम टैक्स देने के बाद आपको बुनियादी सहूलत अगर नहीं मिलती है तो अपना पैसा आप खर्च कर रहे हो और उसकी उसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है ये आप पूछ नहीं रहे हो। एक तरह की हम खुद हमारे साथ जो है नाइंसाफी कर रहे हैं। इस इलाके में अभी मैं खातून मुझे बोल रही थी कि उनके घर का बच्चा जिसके चलने में थोड़ी सी तकलीफ है, जो सही से चल नहीं सकता, लेकिन इलाके के किसी भी स्कूल ने उस बच्चे को एडमिशन ले लिया जिसकी उम्र 4 साल से ज्यादा हो चुकी। हैरत की बात है, मैं जो अभी तक सुनते आई कि
जो लोगों को सुनाई नहीं देता या दिखाई नहीं देता या जो बोल नहीं पाते उनके लिए अलग स्कूल का इंतजाम होता है। लेकिन अगर किसी के पैर में तकलीफ हो, हाथ में तकलीफ हो, तो ऐसे बच्चों के लिए कोई अलग स्कूल का इंतजाम नहीं होता। ये बड़े दुख की बात है कि इलाके के लोगों ने इस बात को समझा कि हमारे यहाँ एक जगह थी जहाँ प्राइमरी स्कूल, शायद अगर वो प्राइमरी स्कूल चल रही होती तो ये बच्चा जो है ये तालीम के लिए महरूम नहीं होता, अपने ही इलाके में ये तालीम हासिल किया होता। मैंने वाकिर भाई को कहा है कि उसके एडमिशन में मदद करें, अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो मुझसे मुझे बोले, इंशाल्लाह वो कोई कानूनी तौर पर उसको रुकावट नहीं आनी चाहिए वो एडमिशन में बच्चे। दूसरा एक मसला मुझे यहाँ समझ में आया कि तालीमी तौर पर तो यहाँ पसमानदगी है ही, कोई ऐसा एजुकेशन अदारा नहीं है जहाँ बच्चे तालीम हासिल कर पाए। इसके अलावा यहाँ आंगनवाड़ी नहीं, आंगनवाड़ी की मकसद यही है ऐसे लोग जहाँ नर्सरी में अपने या केजी में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते वहाँ आंगनवाड़ी बनाई जाती है। लेकिन शहर बहुत बड़ा हो गया है, कच्ची बस्तियां हो गई है जहाँ आंगनवाड़ी की जरूरत है, वही आंगनवाड़ी से जो है वो हमला औरतों को पोषण आहार दिया जाता है, वही कमजोर बच्चों को पोषण आहार दिया जाता है, आंगनवाड़ी से ही टीके लगाए जाते हैं। अगर यहाँ आंगनवाड़ी नहीं है तो जो नया सर्वे होने वाला है, हम लोगों ने नई 45 आंगनवाड़ी की मांग की है, अगर उसका सर्वे मंजूर हो जाए, इससे पहले 2020 में सर्वे के लिए इजाजत मिल गई थी लेकिन लॉकडाउन लगने की वजह से वो मामला रुक गया था और अभी तक वो रुका हुआ है। ये मामला सिर्फ मालेगांव की हद तक नहीं होता, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेकर आंगनवाड़ी खुलती है। इसलिए हम लोगों ने कोशिश की है अगर अब सर्वे की इजाजत मिल जाएगी तो यहाँ का इलाका हो, चाहे बागे कासिम का इलाका हो, चाहे आजमपुरे का इलाका हो, अब्दुल सत्तार आजमी नगर हो, या इलाका जहाँ पे कच्ची बस्ती है और बुनियादी सहूलत जो इब्तदाई तालीम है उसकी कमी है, तो वहाँ पर आंगनवाड़ी खोलने के लिए हम लोग जाती तौर पे कोशिश करेंगे। दूसरा जो यहाँ समझ में आया कि एक गार्डन के नाम पे चोरी का बड़ा धंधा हुआ जहाँ पर 80 लाख रुपए खर्च हुए और ऐसा हो गया कि वो तो आवाम के कोई काम का नहीं बचा हुआ, नशेड़ी लोग जो है वो अपनी आवाज गा बना ली है। अगर ऐसा मामला है तो अभी इसके खिलाफ हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि 80 लाख रुपए ये कोई किसी के बाप के नहीं थे, हमने जो टैक्स भरा है, जो इनकम टैक्स भरते हैं, दूसरा टैक्सेस भरते हैं, ये हमारा पैसा था, हमारा पूरा हक है कि हम ये पूछे कि वो हमारा पैसा कैसे खर्च हुआ, और वो जो 80 लाख बेकार गए उसका जिम्मेदार कौन, और अगर जिम्मेदार है तो उसको अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी करने की सजा मिलनी चाहिए और उसको दोबारा जैसा बताया गया है वैसा तामीर होना चाहिए ताकि इलाके के लोगों को उसका फायदा मिल सके। मालेगांव शहर में और बेखसूस कच्ची आबादी में सबसे ज्यादा तकलीफ होती है जो रोजाना की बीमारियां और डिलीवरी की। अच्छी बात यह है कि अरुण अंसारी हॉस्पिटल हमारे आपके इलाके के करीब है, लेकिन इसके बावजूद नॉर्मल डिलीवरी, जैसा कि बोला जाता है कि नॉर्मल डिलीवरी में बड़ी तकलीफ आती है, कुछ ऐसे भी हालात आते हैं कि ऑपरेशन ही एक जरिया बनता है, लेकिन अरुण अंसारी हॉस्पिटल में ऑपरेशन अगर जरूरत पड़ जाए तो उसके लिए भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते। हमको रात में फोन आता है कि भला भला डॉक्टर को फोन कर दे, अब जो हमसे रब्ता कर लिया या वजन लगा लिया वहां तक तो लोग पहुंच जाते, लेकिन जो हॉस्पिटल बना वो आम आदमी के जो माली तौर पे कमजोर है उसकी सहूलत के लिए बना, और अगर वो सहूलत नहीं दी जा रही है तो इतना सारा पैसा जो कारपोरेशन लगाई है यहाँ पर वो जाय होगा। तो हमारे इस इलाके के लोगों की तरफ से कारपोरेशन और कारपोरेशन के जिम्मेदार जो हैं उनसे दरख्वास्त है कि अरुण अंसारी हॉस्पिटल, क्योंकि वालिया भी बंद हो चुका है, अली अकबर भी बंद हो चुका है, उसका जो स्टाफ है वो यहाँ भेज के अच्छी टेक्निक के साथ, ना यहाँ एक्सरे होता है, ना यहाँ सोनोग्राफी होती है, ना यहाँ सीजरियन का सामान है, और अगर किसी की सीजर की बात आ जाए तो वो बोलते हैं कि आप लोग सिविल में जाओ, सिविल में जाने के बाद वो बोलते हैं हमारे यहाँ आईसीयू नहीं है,
इसलिए हम यहाँ पर सीजेरियन नहीं कर सकते, तो आप लोग इनको दूरिया लेकर जाओ। अब आज हालात ऐसा होता है कि दूरिया जाने तक टीवा बहुत देर हो जाती है, या तो लोग मजबूर होकर मालेगांव में ही इधर उधर से कर्जा और चंदा करके अपना ऑपरेशन करवाते हैं। तो जो इतने बड़े बड़े करोड़ों रुपए खर्च करके जो हॉस्पिटल बनाए गए हैं, अगर वो हमारी सहूलत हमको देने के काबिल नहीं है, तो इतना पैसा खर्च करके फायदा क्या हुआ? ये सवाल हमको कॉर्पोरेशन से और जो लोग इक्तदार में बैठे हैं, शहर के जिम्मेदार हैं, जो इक्तदार के वक्त रिबिन काटने आते हैं, लेकिन जब कोई बच्ची कोई औरत जब दर्द से बिलबिलाती है, उसको तकलीफ होती है, अपनी डिलीवरी के लिए डॉक्टर का सिजेरियन के लिए डॉक्टर का इंतजार करती है, उस वक्त वो लोग नजर नहीं आते। ये सवाल करने का आपका हक है कि आप रिबिन तो काट के चले जाते हो, लेकिन बुनियादी सहूलत हमको नहीं। इसलिए जब तक हम बेदार नहीं होंगे, हम सवाल नहीं करेंगे, तब तक हमारे साथ इसी तरह का सुलूक होगा। आप ये याद रखो, पूरे हिंदुस्तान में फिरका परस्ती का माहौल है। हम लोग सालों से बोल रहे हैं, साथी बुलंद इकबाल बोला करते थे कि फिरका परस्ती ने अपना रुख बदल दिया। पहले फिरका परस्ती होती थी तो फसाद करते थे, दंगे होते थे, लोगों को जेल में भेज दिया जाता था। अब फिरका परस्ती ने अपना रंग बदल दिया। अब ये हो गया है कि जहाँ अकलियत रहती है उनके इलाके में रोजगार ना मिल सके, उनके इलाके में रोड सड़क और बुनियादी सहूलत ना मिल सके, उनके घर के लोगों को बुनियादी सहूलत तिब्बी इमदाद ना मिल सके। एक गरीब आदमी मुश्किल से 2-3 हजार रुपए कमाता है हफ्ते भर के, एक कमाने वाला रहे, उसके बाद अखराजात के बाद मुश्किल से वो 500 रुपए की 1000 रुपए की किस्ती भर पाता है। अगर उनके घर में डिलीवरी की नौबत आ गई तो समझ लो कम से कम 20-25 हजार रुपए खर्च होंगे। अगर यही सहूलत वो 20-25 हजार रुपए वो किसी से उधार लेता है और किसी आने पर वो वापस देता है, अगर यही सहूलत हमको हॉस्पिटल में मिल गई, हमारे हॉस्पिटल में फ्री में मिली, तो हमारा हजारों रुपए का नुकसान बच जाएगा। और जो लोगों के साथ नादिम होके हमको हाथ फैलाना पड़ता है, तो वक्त आए हमको उधार दे दो, कभी कोई दे भी देता है, कोई झड़प भी देता है, ये नौबत हमारी खत्म हो जाएगी। इसलिए मेरे इलाके के लोगों से और शहर के लोगों से दरख्वास्त है कि उन लोगों का साथ दो जो आपकी तकलीफ को समझ सकते हैं, जिनका हम आज इक्तदार में नहीं होते हुए भी हम बुनियादी सहूलत के लिए लड़ते हैं, आप लोगों के लिए कोशिश करते हैं। आप लोग हमारा साथ दो। मालेगांव शहर में जिस तरह माजी में साथी निहाल अहमद साहब ने सिर्फ 144 रोड पट्टी बसाई नहीं, बल्कि जो बसने वाले लोग थे उनको अपने घर का मालिक बनवाया। आज जो इलाके में लोग हैं वो यहाँ लेआउट भी शेती नहीं है, इन्हें आपके प्लॉट पर 4-4, 5-5, 7-7 लोगों के उतारे पे नाम होते, खुद का खरीदा हुआ घर भी तुम्हारे मुकम्मल नाम पे नहीं है। कारपोरेशन यहाँ पे रोड गटर की सहूलत नहीं देती, ये बोल के ये लेआउट भी शेती नहीं है, इनका उतारा 7-12 का उतारा नहीं है, लेकिन निहाल साहब ने जो 144 झोपड़ पट्टियाँ बसाई, वहाँ बुनियादी सहूलत भी दी, वहाँ स्कूल भी दी। साथी निहाल अहमद साहब अगर चाहते तो शहर के दरमियान में स्कूल खोले होते, लेकिन उन्होंने मुजफ्फरपुर में स्कूल खोले, जमूर स्कूल शहर के उस कोने पर और टीएम स्कूल इस कोने पर, कि जो लोग नई आबादी मालेगांव शहर में आबाद हुए उनको रोजगार के साथ साथ तालीम भी आनी चाहिए। ये एक लीडर और कायद की दूरअंदेशी होती, जिसको आप लोग समझ नहीं पाए। मैं साहब के साथ जा रही थी योले में, तो बार बार हर तकरीर में बोलती हूँ कि मैंने वहाँ पे देखा कि अच्छी इमारतें बनी है, तो मैंने बोली अब्बा ये बहुत डेवलप्ड हो गया। मेरे बोले ये डेवलपमेंट नहीं, डेवलपमेंट देखना है तो गरीब की बस्ती जाके देखो। अगर वहाँ पर सड़क बनी है, गंदे पानी की निकासी होती है, साफ पानी आता है, सबके घर राशन कार्ड है और लोग रोजगार कर रहे हैं, तो ये है डेवलपमेंट। अच्छी अच्छी इमारतें शहर के कोने पर बना देने से इसको डेवलपमेंट नहीं कहा जाता। तो आप लोगों से दरख्वास्त है, जो दूरअंदेशी रखते हैं, लोगों के साथ जज्बा रखते हैं, उनका साथ दीजिए। आज इस इलाके के काफी लोग जनता दल में शामिल हुए, बाकिर भाई और उनके साथ ही, मैं उनको मुबारकबाद पेश करती हूँ और उन लोगों से वादा करती हूँ कि जिस उम्मीद से आप जनता दल में शामिल हुए हैं,
आप जहाँ चाहेंगे हम पार्टी की तरफ से और जाती तौर पे आप लोगों की मदद करने के लिए तैयार है। आप बिल्कुल इस इलाके के और इतराब के इलाके के लोगों के लिए काम करें। हम लोग जितनी